जय विजय एवरीवन। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते दीपम ज्योति नमोस्तुते दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। I know all of you are ready with your textbooks and pencils because you know you need the pencils for underlining the new words. And for those new words, you need to find the meaning. And if you will not find, you will ask to me. Okay? Chaliye. We have already completed our chapter number 1, transport, and chapter number 2, communication. Today, we will start our chapter number 3. Coming of the British and Revolt of 1857. So in this video, we will study about the coming of British, how the Britishers came to India and how they settled in India. In this, we will study discovery of the sea route to India, about East India Company, about the Battle of Plassey and Battle of Buxar, then exploitation of Indians by the British, and the last revolt against the British, that is the revolt of 1857, which is also being considered as the first independence fight against the British of India. Okay, now coming of the British, as we know that India was considered a very important trade center इन द एंशियंट टाइम। इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांडेड थे। सो इंडिया वॉज कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर एट दैट टाइम एंड मैनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एक्चुअली वॉन्टेड टू ट्रेड विद इंडिया। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज वास्को डे गामा हु वॉज अ पोर्टुगेज एक्सप्लोरर। जो पोर्टुगेज था उन्होंने एक सी रूट फाइंड आउट किया फ्रॉम पोर्टुगेज पुर्तगाल टू इंडिया। उन्होंने पुर्तगाल से इंडिया तक एक सी रूट फाइंड आउट किया और उसके थ्रू देन अदर यूरोपियन कंट्रीज दे केम टू इंडिया। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम the topic which is from the content which is given in your textbook. Okay, we forgot the gear up. Chaliye, very fast we will do the gear up. All these things you are very well aware, so you can answer me very fast. Okay, 100 years ago India was a republic or under the control of British. आज से 100 साल पहले इंडिया एक फ्री कंट्री थी, रिपब्लिक थी या ब्रिटिश के कंट्रोल में थी? यस, यू आर राइट, इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। सेकेंड, यूरोपियंस केम टू इंडिया थ्रू, यूरोपियंस कहाँ से इंडिया में आए? थ्रू सी रूट या थ्रू लैंड रूट? यस, दे केम थ्रू सी रूट विच वॉज फाइंड आउट बाय द वास्को डी गामा in 1498. Okay, the last one, to trade with India, East India Company was established by, India ke saath trade karne ke liye jo East India Company form hui thi, wo kisne form ki? Britishers ne ya Chinese ne? Oh, yes, Britishers. Chaliye, now we will start. In ancient times, see, you have given the picture of Vasco da Gama. In ancient times, India was famous for its spices, cotton textile, jewelry and pearls. See, India was considered as, means India ko naam diya jata tha, sone ki chidiya. India mein bahut kuch tha for trading.
और इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनकी फॉरेन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो ज़्यादातर उसके जो स्पाइसेस थे, जो मसाले थे, कॉटन टेक्सटाइल, जो हमारे कॉटन के क्लोथ्स थे, ज्वेलरीज और पर्ल्स, वो यूरोपियन मार्केट्स में बहुत 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 ज़्यादा डिमांडेड थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी यूरोपियन कंट्रीज दे वॉन्टेड टू ट्रेड विद इंडिया, वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे। इंडियन गुड्स वर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोप। पूरे वर्ल्ड में उनकी डिमांड थी पर सबसे ज़्यादा थी यूरोप में। इट हैड बीन ट्रेडिंग विद रोम एंड ग्रीस फॉर सेंचुरीज, मीन्स कि इंडिया का जो ट्रेडिंग रिलेशन है रोम और ग्रीस के साथ तो बहुत सारी सेंचुरीज से है, बहुत शताब्दियों से है। द अरब्स वर फर्स्ट अमंग द फर्स्ट टू केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, जो अरब्स थे वो सबसे पहले इंडिया में आए थे फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। लेटर द पोर्टुगीज, द डच, द ब्रिटिश, द फ्रेंच फॉलोड। अरब्स के बाद पोर्टुगीज आए थे, डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, फ्रेंच आए थे। तो ये सारे वो फॉरनर्स हैं, वो फॉरनर जो इंडिया में आए थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। सॉरी, दे फॉट अमंग देमसेल्व्स टू गेन कंट्रोल ओवर द ट्रेड, बिकॉज इंडिया वॉज अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेंटर एंड दे वॉन्टेड टू कंट्रोल दिस, वो उसे कंट्रोल करना चाहते थे। सो दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व, वो आपस में ही लड़ते थे, सो दैट वन कैन गेन कंट्रोल ओवर द ट्रेड, कोई भी उनमें से एक ट्रेड को कंट्रोल कर सके, इसलिए वो आपस में फाइट करते थे। एंड एज वी नो एट लास्ट द विनर वॉज ब्रिटिश, द ईस्ट इंडिया कंपनी, विच गेन द कम्प्लीट कंट्रोल ओवर द ट्रेड इन इंडिया, एंड एक्चुअली दे गेन कंट्रोल ओवर द होल इंडिया सी। Discovery of a sea route to India. As we all know that the sea route to India was discovered by Vasco da Gama, who was a Portuguese explorer, जो पुर्तगाल से थे, उन्होंने सबसे पहले इंडिया पुर्तगाल से लेकर इंडिया तक एक सी रूट फाइंड आउट किया, बिकॉज इंडिया और इंडिया लाइज इन एशिया एंड पुर्तगाल एंड ये इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये दे लाइज इन यूरोप। तो वहाँ से सीधा लैंड वे नहीं था, दे नीड टू उन्हें एशियन कंट्रीज से होकर इंडिया में आना पड़ता था। देर वॉज नो डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। बट इन 1498 वास्को डी गामा ने सबसे पहले एक सी रूट ढूंढा था, which was started from the Cape of Good Hope. The Portuguese used this route to reach Calicut. वो इंडिया के कालीकट में पहुँचे थे सबसे पहले and started trading in this region. उन्होंने इस region में trading करना start किया. At that time, Calicut was the major producer of spices. वो टाइम पर जो कालीकट था वो स्पाइसेस का मेजर प्रोड्यूसर था, मींस जो मसाले हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस, वो कालीकट में सबसे ज़्यादा होते थे। वास्को डी गामा गॉट द परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया। सबसे पहले बिकॉज एट दैट टाइम देर वॉज नो रिपब्लिक इन इंडिया, इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रूलर्स थे जो कि उसे कंट्रोल करते थे। सो वट ही डिड फर्स्ट आफ्टर कमिंग टू इंडिया, ही गॉट द परमिशन, ही गॉट द परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट। उन्होंने कालीकट के रूलर से परमिशन ली ताकि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके, एंड ही गॉट द परमिशन। Soon the Portuguese got monopoly rights over trade, because कि वो सबसे पहले इंडिया में आए थे, धीरे धीरे ट्रेड के ऊपर उनकी मोनोपोली हो गई, मतलब उनका एक अधिकार हो गया। They control the trade totally in India. उन्होंने इंडिया का लगभग पूरा ट्रेड कंट्रोल कर लिया था, because at that time Dutch, British, French ये सब लोग इंडिया में नहीं आए थे, सिर्फ Portuguese ही आए थे या उसके पहले Arabs थे।
बिकॉज कि पोर्टुगीज ने वो रूट फाइंड आउट किया था, डायरेक्ट रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया का डायरेक्ट रूट फाइंड आउट किया था, तो धीरे धीरे उनकी इस ट्रेड रूट पर मोनोपोली हो गई थी। अब इंडिया के जितने भी ये प्रोडक्ट थे जो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडेड थे, तो जो पोर्टुगीज थे वो उस सारी डिमांड को फुलफिल करते थे। वो इंडिया से इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते थे एंड देन यूरोपियन मार्केट्स में उन्हें सेल करते थे। दिस इज़ हाउ दे गॉट द मोनोपोली ओवर द ट्रेड। उन्होंने ये पूरे ट्रेड के ऊपर मोनोपोली गेन की थी। नाउ सी, दिस इज द रूट विच इज़ फाउंड बाय द वास्को डे गामा। सी, फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप उन्होंने ये रूट फाइंड आउट किया था, पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके देन दे एंटर टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन कालीकट। वो इंडिया के कालीकट में पहुंचे थे। सी, यू आर एबल टू सी द रेड लाइन, दिस इज होल द वे ही केम फ्रॉम पुर्तगाल टू इंडिया। पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका क्रॉस करके फ्रॉम अटलांटिक ओशियन टू इंडियन ओशियन एंड फ्रॉम अरेबियन सी ही केम टू इंडिया। वो इंडिया तक पहुंचे थे। नाउ अब बिकॉज की पोर्टुगीज का कंप्लीट कंट्रोल हो गया था, अब एक रूट भी हो गया था क्योंकि सी रूट फाइंड आउट हो चुका था 1498 में। उसके बाद धीरे धीरे जो डच थे, जो ब्रिटिश थे, जो फ्रेंच थे, वो भी इंडिया में आए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बिकॉज कि अब जैसे जैसे पोर्टुगीज ने यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी ग्रो हो गई थी। अदर यूरोपियन कंट्रीज सच एज हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन ऑल्सो बिकेम इंटरेस्टेड इन इंडिया बिकॉज दे नीडिड रॉ मटेरियल, ट्रेड गुड्स एंड न्यू मार्केट्स। अब जैसे जैसे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसकी वजह से जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी इंडिया में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड थी, बिकॉज कि उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, ट्रेड गुड्स चाहिए थे और अपनी ट्रेडिंग के लिए नए मार्केट्स चाहिए थे। सो इन सब रीजंस की वजह से जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी इंडिया में अपना ट्रेड करना चाहती थी, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। वो कौन कौन सी कंट्रीज थी? दीज वर हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, दीज वर द एक्चुअली फ्रेंड हाँ दीज वर द कंट्रीज विच वॉन्टेड टू डू ट्रेडिंग विद इंडिया। अ फ्यू ब्रिटिश मर्चेंट्स फॉर्म्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600। कुछ ब्रिटिश मर्चेंट्स ने एक कंपनी फॉर्म की, दैट वॉज नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। डू यू नो वाई इट वॉज नेम्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी? इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्यों दिया गया? बिकॉज एक्चुअली फ्रॉम ब्रिटेन इंडिया लाइज इन ईस्ट डायरेक्शन। ब्रिटेन से जो इंडिया है वो ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, दैट्स वाई दे हैव गिवन द नेम ईस्ट एंड कंपनी इज सेटल्ड इन इंडिया। सो द कंपनी वॉज गिवन द नेम एज ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वॉज फॉर्म इन 1600 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी विद द परमिशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। सी, यू हैव गिवन द पिक्चर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। शी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। उस समय ये इंग्लैंड की क्वीन थी। अब उन्हें इंग्लैंड मर्चेंट्स को जब इंग्लैंड से बाहर ट्रेडिंग करना था तो उन्हें अपनी क्वीन की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। सो दे हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ वन टू फॉर्म दिस कंपनी एंड ट्रेड विद इंडिया। दे गॉट द विद द परमिशन फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ वन हु वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। The company obtained permission from the Mughal Emperor Jahangir to trade in India. At that time, India was under the control of Mughals. From the 12th century, India came under the control of Mughals. So, Mughals ke control mein thi India.
मुगल्स का इंडिया पर कंट्रोल था. सो एट दैट टाइम मुगल एम्परर, मुगल जो राजा थे, ही वॉज जहांगीर. तो उन्होंने जहांगीर से इंडिया में ये कंपनी फॉर्म करने की परमिशन ली एंड दे गॉट इट. आफ्टर दैट दे स्टार्टिंग कंट्रोलिंग द ट्रेड इन इंडिया. अपॉन ऑब्टेनिंग ट्रेडिंग राइट्स द ब्रिटिश सेट अप ट्रेड सेंटर्स इन बॉम्बे एंड मद्रास. जब उन्हें ट्रेडिंग राइट्स मिल गए, उन्हें ट्रेड करने की परमिशन मिल गए, तो उन्होंने अपने दो सेंटर्स बनाए फॉर ट्रेडिंग. पहला बॉम्बे में और दूसरा मद्रास में. बॉम्बे विच इज नाउ नॉन एज मुंबई एंड मद्रास विच इज नाउ नॉन एज चेन्नई. बॉम्बे जिसे हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं और मद्रास जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं. सो उन्होंने अपने पहले दो ट्रेड सेंटर्स बनाए थे, एक था बॉम्बे में और दूसरा था मद्रास में. आफ्टर द ब्रिटिश फ्रेंच ऑल्सो केम टू इंडिया. ब्रिटिश के बाद फ्रेंच भी इंडिया में आए, उन्होंने भी अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया. The French too set up a trading company and established centers in Chandranagar in Bengal and Pondicherry, which is now known as Puducherry. उन्होंने अपने दो centers बनाए. उनके कौन से दो centers थे? एक तो था चंद्रनगर बंगाल में और दूसरा था पौंडीचेरी, which is the Puducherry, which is the Union Territory of India. तो जो ब्रिटिश थे उनके दो ट्रेडिंग सेंटर कौन कौन से थे? बॉम्बे एंड मद्रास. और फ्रांस के जो ट्रेडिंग सेंटर थे वो थे चंद्रनगर इन बंगाल एंड पौंडीचेरी. सो दो ट्रेडिंग सेंटर्स ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किए थे और दो ट्रेडिंग सेंटर फिर फ्रेंच ने एस्टेब्लिश किए थे. बट जब फ्रेंच इंडिया में आए, उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए. सो दिस वॉज द थिंग विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय द ब्रिटिश. वो ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगा. सो उन्होंने क्या किया? दे फॉट विद द फ्रेंच. वो फ्रेंच के साथ लड़े और दे डिफीटेड देम और उनको हरा दिया. आफ्टर दैट द फ्रेंच वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द पौंडीचेरी. वो सिर्फ और सिर्फ पौंडीचेरी में ही रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन एनी ट्रेड इन बंगाल. उन्हें बंगाल में कोई भी ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी. द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक दिस. दे फॉट विद द फ्रेंच एंड डिफीटेड दैम. एज ए रिजल्ट द फ्रेंच वर रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड ओनली इन पौंडीचेरी. क्योंकि फ्रेंच जो है वो ब्रिटिश से हार गए थे, तो उनको बंगाल में जो उन्होंने अपना एक सेंटर बनाया था चंद्रनगर, वहां पर ट्रेडिंग करने की परमिशन नहीं थी. दे ओनली कैन ट्रेड इन पौंडीचेरी. वो सिर्फ पौंडीचेरी में ही ट्रेड कर सकते थे. नाउ नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ प्लासी. सी दिस बैटल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. क्योंकि ये बैटल के बाद इंडिया की हिस्ट्री चेंज हो गई थी. When Britishers won this battle, this was the first step of the Britishers towards conquering the India. इंडिया को कंकर करने का, इंडिया को जीतने के लिए, इंडिया पर कंट्रोल करने का ये उनका पहला स्टेप था. अगर ब्रिटिशर्स ये प्लासी का बैटल हार जाते ना, तो शायद इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं होता. बट एज बिकॉज कि वो पहले बैटल ऑफ प्लासी जीत गए थे, तो उनका थोड़ा सा कंट्रोल हुआ. उसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीता, जिसके बाद बंगाल, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एरिया कहा जाता था, बंगाल वॉज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. वो ब्रिटिशर्स के पूरी तरह कंट्रोल में आ गया. एंड देन दे स्लोली एंड स्लोली स्टार्टेड कंट्रोलिंग द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. फिर उन्होंने धीरे धीरे इंडिया की बाकी स्टेट्स को भी कंट्रोल करना शुरू किया. फर्स्टली, अगर वो बैटल ऑफ प्लासी हार जाते थे, तो शायद ब्रिटिशर्स इंडिया में कंट्रोल नहीं कर पाते. बट एज बिकॉज वो जीत गए थे, तो धीरे धीरे उन्होंने बाकी के एरियाज में भी कंट्रोल किया.
After the death of Aurangzeb in 1707, Aurangzeb was the next Mughal ruler after the Jahangir. Jahangir के बाद जो अगले मुगल रूलर थे वो थे औरंगजेब. तो from 1600 to 1700, लगभग 100 सालों तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने सिंपली ट्रेडिंग की. उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो बाकी के मुगल रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे एंड द ब्रिटिशर्स दे नो दैट. तो उन्होंने धीरे धीरे अब इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया. सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम मोर एम्बिशियस बिकॉज कि उन्हें पता था अब बाकी के जो मुगल रूलर्स हैं आफ्टर द औरंगजेब दे आर नॉट एफिशिएंट लाइक जहांगीर औरंगजेब एंड अदर मुगल रूलर्स वो उन शाहजहां एंड अदर्स तो उनके जैसे वो एफिशिएंट नहीं है वो इंडिया को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते. तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटिशर्स थे वो और ज़्यादा एम्बिशियस हो गए. नाउ दे स्लोली वॉन्टेड टू कंट्रोल द ट्रेड. अब वो धीरे धीरे ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते थे. नाउ द ब्रिटिश हैड देयर ओन आर्मी टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड. अब ब्रिटिश ने क्या किया उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी क्रिएट की ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए. मींस उन्होंने क्या कहा कि वी वांटेड टू प्रोटेक्ट आवर ट्रेड हम अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसलिए हम अपनी एक अलग से छोटी सी आर्मी क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज हाउ दे क्रिएटेड अ आर्मी. उन्होंने अपनी खुद की आर्मी बनाई. दे वॉन्टेड टू ब्रिंग बंगाल अंडर देयर कंट्रोल सबसे पहले बिकॉज दे वर ट्रेडिंग इन बंगाल क्योंकि उन्होंने बंगाल से सबसे पहले फ्रेंच को रिस्ट्रिक्ट किया था फ्रेंच को वहां से रिमूव किया था. तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले बंगाल को कंकर करना ज्यादा इजी है. तो दे स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल उन्होंने बंगाल में सबसे पहले अपना ट्रेड कनेक्शन जो है वो सेटल किया. देन उन्होंने अपनी एक छोटी सी आर्मी क्रिएट की. फिर उन्होंने बंगाल में कंस्ट्रक्शंस करना स्टार्ट किया. उन्होंने फोर्ट्स बनाने शुरू किए किले बनाने शुरू किए. एंड दिस वॉज द एक्ट विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय सिराज उद दौला. सिराज उद दौला वॉज द नवाब ऑफ बंगाल एट दैट टाइम. उस समय सिराज उद दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे एंड ही डिड नॉट लाइक दिस कि ब्रिटिशर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपनी खुद की आर्मी भी मेंटेन कर रहे थे वो बंगाल में फोर्ट्स भी बना रहे थे एंड दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्स वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे थे. सो दिस एक्ट वॉज नॉट लाइक्ड बाय सिराज उद दौला. सो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सारी वार्निंग्स दी दैट यू हैव टू स्टॉप दिस कि वो लोग अपनी ये एक्टिविटीज को बंद कर दें अदरवाइज दे विल बी पनिश्ड फॉर दैट बट दे डिड नॉट. आफ्टर दैट इन 1756 में जो सिराज उद दौला थे उन्होंने एक फाइट स्टार्ट की अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट मार्च किया एक छोटी सी फाइट स्टार्ट की उनको स्टॉप किया. एंड दिस वॉज द एक्ट विच वॉज सीरियसली नॉट लाइक्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट वर्क अगेंस्ट दैम. सो उन्होंने क्या किया इन 1757 दे अटैक्ड ऑन बंगाल. उन्होंने बंगाल पर अटैक किया एंड इन दैट अटैक सिराज उद दौला वॉज डिफीटेड. And this attack was done on the place of Plassey. जिस जगह पर ये attack, ये battle हुई थी, उस जगह का नाम था Plassey. That's why this battle was named as the Battle of Plassey. इसलिए इसे Battle of Plassey का नाम दिया गया. And after defeating Sirajuddaula, क्योंकि Sirajuddaula जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल was under the control of Sirajuddaula. तो बंगाल के नवाब को जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था तो बंगाल पे लगभग उनका कंट्रोल हो गया था. पूरा कंट्रोल नहीं था बट थोड़ा कंट्रोल हो गया था. ओके सो आई हैव एक्सप्लेन यू दिस पैराग्राफ
in simple sense. Now we will read what is written over here in your textbook. After the death of Aurangzeb in 1707, the East India Company became more ambitious. The British had their own army to protect their trade. They wanted to bring Bengal under their control. वो बंगाल को अपने control में लाना चाहते थे. Thus they started building forts and settlements in the 17th century. तो उन्होंने forts और settlements को create करना शुरू कर दिया. They also maintained army in Bengal. उन्होंने army भी create की. When Siraj ud Daula became the Nawab of Bengal, he ordered the British to remove their army and stop its construction activities as they had not paid any tax. जब सिराज उद दौला बंगाल के नवाब बने तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को ऑर्डर किया कि वो अपनी आर्मी को रिमूव करें, अपने कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करें, क्योंकि उन्होंने कोई भी टैक्स पे नहीं किए थे. Later, when they denied, he marched against the British in 1756. जब ब्रिटिश ने इस बात के लिए मना कर दिया तो 1756 में सिराजुद्दौला ने फाइट स्टार्ट की. This incident infuriated the British and they attacked Bengal in 1757. इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो एंग्री हो गए थे और उन्होंने 1757 में बंगाल पे अटैक कर दिया. सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी एंड द ब्रिटिश बिकेम वेरी पावरफुल इन बंगाल. क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब को हरा दिया था तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जो थे वो बंगाल में पावरफुल हो गए थे. हाउएवर दे वर डिटरमाइंड टू टेक कंट्रोल ओवर द होल ऑफ इंडिया. लेकिन उनका जो मोटो था वो ये था कि धीरे धीरे पूरे इंडिया को कंट्रोल करना. कंट्रोलिंग बंगाल वॉज देयर फर्स्ट स्टेप. वो उनका फर्स्ट स्टेप था. उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया को कंट्रोल किया था. फॉर दैट दे कंसीडर मेनी पॉलिसीज. दे हैव स्टार्टेड मेनी न्यू पॉलिसीज. बहुत सारी नई नई पॉलिसीज उन्होंने स्टार्ट की थी. डिवाइड एंड रूल उनकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी. देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. आफ्टर दैट सब्सिडरी अलायंस. तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज थी जो उन्होंने फॉलो अप की टू अगेन द कंट्रोल ओवर इंडिया. इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए. द किंग्स एंड द नवाब्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन इंडिया ऑलवेज फॉट अमंग देमसेल्फ. सी, इंडिया के जो किंग्स थे और नवाब्स थे वो जो छोटे छोटे किंगडम्स के किंग्स थे और नवाब्स थे वो क्या करते थे, वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे. सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दे हेल्प वन रूलर. वो किसी भी एक राजा की हेल्प करते थे. जो भी दो राजा आपस में लड़ते थे ना उनमें से किसी भी एक राजा की हेल्प करते थे और उसे बैटल में जिता देते थे. जब वो राजा बैटल जीत जाता था तो वो उसके बदले में जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें काफी सारी पावर्स अपने स्टेट में और वेल्थ, बहुत सारी मनी वेल्थ देता था. तो दिस वॉज देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. ये उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी. वो क्या करते थे, दो रूलर्स को आपस में लड़वा देते थे और फिर उन्हीं दो रूलर्स में से किसी एक रूलर की हेल्प करते थे और उसे जिता देते थे. अब वो रूलर को क्या लगता था कि ब्रिटिशर्स ने मेरी हेल्प की, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो उसको अपने ही स्टेट में पावर्स भी देता था और अपनी वेल्थ का हिस्सा भी देता था. दिस इज हाउ दे गेन कंट्रोल ओवर मेनी स्टेट्स. उन्होंने इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स को कंट्रोल किया. ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल. और उनकी ये पॉलिसी वर्क की, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे जो इंडियन रूलर्स और नवाब्स थे वो अपनी छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ते रहते थे और इसी चीज का फायदा ब्रिटिश ने उठाया था. और उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जरिए उन्होंने इंडिया की बहुत सारी स्टेट को एज देयर फ्रेंड कंट्रोल कर लिया था. वो कहने को तो कहते थे कि वी आर योर फ्रेंड्स, बट देवर कंट्रोलिंग दीज रूलर्स. लेट्स सी.
द किंग्स एंड द नवाब्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन इंडिया ऑलवेज फॉट अमंग देमसेल्व्स, वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे. द ब्रिटिश हेल्प्ड वन रूलर अगेंस्ट द अदर्स एंड गेन पावर एंड वेल्थ, वो एक रूलर को दूसरे रूलर के अगेंस्ट हेल्प करते थे और उसे जितवाकर उससे पावर और वेल्थ को गेन करते थे. दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वॉज नॉन एज डिवाइड एंड रूल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड तोड़ो और राज करो इन हिंदी. इसे कहा जाता है तोड़ो और राज करो हिंदी में. डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशर्स की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, विच दे फॉलो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो अप की थी. उन्होंने सबसे पहले शुरुआत भी इसी पॉलिसी से की थी एंड विद दिस पॉलिसी ओनली दे एक्चुअली डिवाइड द इंडिया. उन्होंने सच में इंडिया को डिवाइड कर दिया था. जब इंडिया को फ्रीडम मिली एट दैट टाइम ओनली इट वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो उनकी जो ये पॉलिसी थी वो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो अप की थी. दिस पॉलिसी हेल्प द ब्रिटिश टू कैप्चर वॉरियस किंगडम्स ऑफ इंडियन रूलर्स. उनकी इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे जो किंगडम्स थे वो उनके कंट्रोल में आ गए थे. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद दूसरी बैटल हुई विच वॉज नॉन एज द बैटल ऑफ बक्सर, जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है बिकॉज दिस बैटल वॉज फॉट ऑन द प्लेस नेम्ड एज बक्सर, क्योंकि ये लड़ाई जहां पर लड़ी गई थी उस जगह का नाम था बक्सर. दैट्स वाई दिस बैटल इज नॉन एज द बैटल ऑफ बक्सर. दिस बैटल वॉज फॉट इन 1764, 1764 में ये बैटल हुई थी. इट वॉज फॉट बिटवीन द कंबाइंड आर्मी ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम टू. उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे वो थे शाह आलम टू और बंगाल के दो नवाब. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट फाइट की थी और इस फाइट का रिजल्ट ये था कि शाह आलम टू ही वॉज डिफीटेड एंड डाइड, और जो बंगाल के नवाब थे वो भी हार गए थे. सो इस इंसिडेंट की वजह से बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल हो गया था. अब बंगाल पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था. ओके, अनदर बैटल, द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन 1764 बिटवीन द कंबाइंड आर्मी ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम टू एंड द टू नवाब्स विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये लड़ाई किसके बीच हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर ये हुई थी 1764 में बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू एंड टू नवाब्स ऑफ बंगाल. अगेन द ब्रिटिश अमर्ज विक्टोरियस इस बैटल में. फिर से वापस जो ब्रिटिश थे वो जीत गए. थस द बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनली केम अंडर द ब्रिटिश रूल एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड द राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट. अब क्या था, जो बंगाल का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडिया, सॉरी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था. अब उन्होंने बंगाल का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज कि पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का था. तो वहां से रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गया था. आफ्टर देयर विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सटेंडिंग देयर टेरिटरीज थ्रू वेरियस पॉलिसीज. सी, अब उन्होंने बहुत सारी नई नई पॉलिसीज शुरू की. एक तो उन्होंने पहले ही ऑलरेडी शुरू की थी, दैट इज डिवाइड एंड रूल, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन दिस पॉलिसी टू एनीवन. उन्होंने अपनी ये पॉलिसी कभी किसी को बताई नहीं, बट दे डिड इट. उसके बाद उन्होंने एक नई पॉलिसी शुरू की. इट वॉज नॉन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति. What according to this policy? According to this policy, if a Indian ruler died without a son, without his actual son,
अगर कोई भी इंडियन रूलर की डेथ हो जाती थी और उसका कोई अपना खुद का बेटा नहीं होता था, देन दैट किंगडम वॉज कंसीडर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो उस किंगडम को ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में समझा जाता था। दिस वॉज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर, द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सटेंडिंग देयर टेरिटरीज थ्रू वेरियस पॉलिसीज। अकॉर्डिंग टू वन सच पॉलिसी, द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड दैट इफ अ किंग डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर, हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। तो उनकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी राजा, इफ ही डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर, दैट मीन्स उसका अपना खुद का कोई बेटा नहीं होगा, कोई सन नहीं होगा, देन हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। तो उसके किंगडम को ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले लेंगे। दिस पॉलिसी वॉज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी को लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। थ्रू दिस पॉलिसी द ब्रिटिश वर एबल टू ऑक्यूपाई झांसी, नागपुर एंड मैनी अदर किंगडम्स। और इसी डॉक्ट्रिन के हेल्प से, इसी पॉलिसी की हेल्प से उन्होंने झांसी को, नागपुर को और बहुत सारे किंगडम्स को ऑक्यूपाई किया था। यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द झांसी, रानी झांसी के बारे में तो सबने सुना है, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने रानी झांसी के बारे में नहीं सुना हो। रानी लक्ष्मीबाई, शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ किंग गंगाधर राव, वेन ब्रिटिशर्स वॉन्टेड टू कंट्रोल द झांसी बिकॉज देर वॉज नो सन, एक्चुअल सन ऑफ किंग गंगाधर राव, तो रानी झांसी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। She fought against the Britishers and after till her last breath she fought. अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ी थी। जब तक she was alive, she did not allow the Britishers to enter her झांसी। उन्होंने ब्रिटिशर्स को अलाउ नहीं किया उनकी झांसी में एंटर करने के लिए। But after her death, झांसी was केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। झांसी उन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई थी। सो दिस वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट वॉज द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस ये एक और नई पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जो उन्होंने स्टार्ट की थी टू कंट्रोल द इंडियन स्टेट। ये पॉलिसी एक्चुअली स्टार्ट की थी लॉर्ड रिचर्ड वेलेसली ने। सी यू हैव गिवन द पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर टेक्स्ट बुक, लॉर्ड रिचर्ड वेलेसली, उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी। वट अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता था, जो इंडियन रूलर्स थे उनको ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिलती थी और उस ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर उन्हें अपनी खुद की आर्मी की जगह ब्रिटिश आर्मी को अपने किंगडम में रखना पड़ता था, मेंटेन करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो ये इंडियन रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, क्योंकि उनकी खुद की आर्मी तो होती नहीं थी, उनको ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती थी और उनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता था फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। मतलब जिन जिन रूलर्स ने ये सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, जो जिन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये सब्सिडरी अलायंस किया था, तो वो सारी की सारी स्टेट्स को कोई भी और एक्सटर्नल अफेयर्स करने के लिए ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ती थी। जब उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था तो इसका मतलब ये था कि वो किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरी स्टेट के साथ कोई और अलायंस नहीं कर सकते थे विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के परमिशन के बिना। सो उनकी जो अपनी आर्मी थी उसे उन्हें कम करना पड़ता था और उसकी जगह पर ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी में मेंटेन करना पड़ता था।
तो इसकी वजह से क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गए थे, इन रूलर्स की अपनी आर्मी का हिस्सा बन गए थे। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इन किंगडम्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी तो खुद की आर्मी थी नहीं, वो तो आर्मी ब्रिटिशर्स की थी, और उनके इंटरनल अफेयर्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ये जो किंगडम्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया था कि जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, हम पर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, ये सोच के उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। बट उसका रीजन ये हुआ कि सब्सिडरी अलायंस के बाद ब्रिटिशर्स ने ही इन किंगडम को कंट्रोल कर लिया, किसी और को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेट्स रीड अबाउट द सब्सिडरी अलायंस। द सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिचर्ड वेलेसली, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805। ये इंडिया में गवर्नर जनरल थे 1798 से लेके 1805 तक। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इंडियन रूलर्स अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स विद इन देयर किंगडम। दैट मीन्स कि ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश आर्मी को अपने किंगडम में मेंटेन करना पड़ता था। दिस गेव द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ मैनी किंगडम, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे इन किंगडम्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए, और ये किंगडम धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। एंड विद दिस पॉलिसी ऑल्सो दे कंट्रोल्ड मैनी किंगडम। सो दीज वर फ्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स थ्रू विच स्लोली एंड स्लोली दे कंट्रोल्ड मैनी किंगडम्स ऑफ इंडिया। सी कौन कौन सी पॉलिसीज पढ़ी अभी हमने पढ़ी डिवाइड एंड रूल, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, देन सब्सिडरी अलायंस। ये तो तीन मेन पॉलिसीज थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज थी जो ब्रिटिशर्स ने फॉलो की थी, बट दैट यू आर गोइंग टू बी स्टडी इन योर स्टैंडर्ड 8। आप वो सब स्टैंडर्ड 8 में पढ़ेंगे, सॉरी स्टैंडर्ड यस स्टैंडर्ड 8 में आप पढ़ेंगे इन डिटेल्स। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट टिल हियर ओनली, द रेस्ट पार्ट दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वी विल स्टडी इन आर नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। ओके।